सीडीओ संजय कुमार मीणा ने पिपरौली स्थित माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली का निरीक्षण किया गया है तथा विद्यालय पर पौधारोपण किया गया। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाए थे उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के संचालन व छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा, छात्रों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि वो पढ़ाई करके अपने जिले व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, तो आज दो वजह से जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहला जो कार्यक्रम है वो है वृक्षारोपण। तो सभी लोग जानते हैं वृक्षारोपण करना क्यों जरूरी है, जानकारी है सभी को? पेड़ पौधों के बारे में कोई बताएगा बच्चा? क्यों लगाते हैं हम पेड़ पौधे? अच्छा, उसके अलावा ऑक्सीजन मिलते हैं, भोजन मिलता है। अच्छा, और उसके अतिरिक्त और कोई? पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली और जुड़ियान पब्लिक स्कूल, दो विद्यालयों में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पे मुख्यतः वृक्षारोपण का कार्यक्रम था तथा जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ क्लास में, उनको IGL कंपनी द्वारा पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर जो विद्यालय संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या सुविधाएँ हैं, किस तरीके से हम और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या समस्या है, उसके बारे में भी चर्चा की गई थी। छात्रों को दिशा निर्देश भी आपके द्वारा दिया गया, संबोधित किया गया? जी, छात्रों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जो शिक्षा है उसको हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए और पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी के बारे में उनको प्रेरित किया गया था ताकि वो आगे बढ़कर स्वयं का, इस प्रदेश का और पूरे देश का विकास कर सकें।